धोनी के धमाल से लेकर विराट के कमाल तक आईपीएल 2018 में बने यह 6 सबसे बड़े रिकॉर्ड। चेन्नई के चैंपियन बनते ही आईपीएल 11 खत्म हुआ। अपनी घातक गेंदबाजी से पूरे टूर्नामेंट में विरोधियों के दांत खट्टे करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद खराब गेंदबाजी के चलते ही खिताबी मुकाबला गंवा बैठी। नजदीकी मुकाबलों के कारण इस बार का सीजन अब तक का सबसे रोमांचक सीजन कहा जा रहा है। जाहिर है इसमें रिकॉर्ड भी खूब टूटे। अगली स्लाइड से ऐसे ही टॉप 6 रिकॉर्ड्स पर एक नज़र। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ 25 अप्रैल को खेली अपनी 70 रन की पारी के दौरान धोनी ने T20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान 5000 रन पूरे कर लिए। ऐसा कारनामा करने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराते ही धोनी 150 T20 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 300 छक्का जमाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। 4 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ उन्होंने यह नायाब उपलब्धि हासिल की। विराट ने 17 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अर्धशतक जमाते ही गौतम गंभीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गंभीर ने 53 अर्धशतक जमाए थे। इसके साथ ही अब कुल आंकड़ा 56 तक पहुँच चुका है। किंग्स 11 पंजाब के अंकित राजपूत ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 5 विकेट झटके। उन्होंने धवन, कप्तान विलियमसन, साहा, मनीष पांडे और नब्बी को आउट किया। यह कमाल करने वाले अंकित पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। हालांकि उनके इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद पंजाब को हार का मुंह देखना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी सुनील नरेन 16 अप्रैल को दिल्ली रेड डेविल्स के खिलाफ अपना 100वां विकेट लिया। क्रिस मॉरिस को आउट करते ही यह कैरिबियाई गेंदबाज जैसा कारनामा करने वाला पहला स्पिनर बन गया।